स्वीडन में कुरान करीम की फिर एक मरतबा बेहुरमती। मलून मोमिका को पकड़ने की लोगों ने की कोशिश तो पुलिस के घेरे से भाग निकला मलून। फ्रांस में आज से नए तालीमी साल का आगाज। अबाया पहनने वाली लड़कियों को नहीं मिली एंट्री। कई मुस्लिम तालिबात ने अबाया निकालने के बजाय घर वापस जाने को दी तरजीह। फलस्तीन में हालात फिर हुए कशीदा। मगरब किनारे में सियोनी फोर्स और फलस्तीनियों में झड़प। एक फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइली गाड़ी में फट गया एक्सप्लोजिव। और सऊदी अरब में शदीद बारिश का अलर्ट जारी। जुमा तक गरज चमक के साथ होगी बारिश। हुकूमत ने वादियों साहिल इलाकों में जाने से गुरेज करने का शहरियों को दिया मशवरा। अपोजिशन के इतिहाद इंडिया के नाम से बीजेपी का परहेज। G20 इन्विटेशन में इस्तेमाल किया भारत का लफ्ज। पवन खेड़ा ने कहा, इंडिया से डर गए हैं मोदी जी, पूरी दुनिया हंस रही है आप पर। और तमिलनाडु के मिनिस्टर उदय निधि स्टालिन की जानिब से सनातन धर्म को बताया गया मलेरिया और कोरोना जैसी वबा। अयोध्या के संत ने उदय निधि के सर पर रखा 10 करोड़ का इनाम।